अस्सलामुअलैकुम क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा पहले वाला व्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए पार्ट टू बना रहे हैं। तो अभी हम लोग ना वो अब्दुल्ला का सामान खोलने लगे हैं, देखते हैं क्या क्या लेकर आया। जो हमारी पर्सनल चीज़ें वो हमने दिखाई हैं, क्योंकि मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो बाकी अब्दुल्ला साहब कुछ घर भूल के आ गए हैं, तो पूछते हैं क्या भूल के हैं, क्या भूल के हैं। जूते में एयरपोर्ट पर रह गए। कौन सा लाहौर वाले एयरपोर्ट पे? हाँ चलो कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में किसी काम आ जाए। कुछ नहीं, वो हमारे मिस्टर जो आपके हैं अंकल, वो करते हैं साफी, उनसे बात करवाते हैं, उठा लेते हैं, प्रोटोकॉल पे आप चलते हैं। अवैस को बोल देते हैं, अवैस का बग माशाल्लाह कैप्टन है, बहुत संभाल लेगा। एयर अस्ताना चलाते हैं, एयर अस्ताना चलाते हैं, कटिंग करते हैं, यही मोची से मोची जलूनी वाले मोची जो बैठे उधर से। देखें अब्दुल्ला का मुंह कैसे छिला हुआ है। तो अभी अब्दुल्ला भाई खोलता है सामान, दिखाता है। अभी कई सारे लोग इतने से के बाद मैंने कहा कि सारे की मिठाइयां थी, मैं कहा मैं इनके साथ ही खाऊंगा। अब्दुल्ला के लिए कुछ कहना चाहते हैं, आलम आते आए हैं तो सबसे पहले घबराना नहीं। बस भाई इंसान बाकी चीजें कम गई है, इंसान हमारे कमरे में दे गया चीजें। हाँ क्यों? तो उसने कहा मैंने अब्दुल्ला के सामने रहना, तुम इधर अकेले सोओगे। देखिए मैं ना बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक लफ्ज़ मैं कहना चाहूंगा कि इंसान जिंदगी में खोते का बच्चा हो जाए, लेकिन अब्दुल्ला जैसा ना हो। यार अब्दुल्ला ये हर टाइम तेरी बेइज्जती क्यों करता है? वैसे एक बात ऊपर करें, इधर ये सब से अपार्टमेंट में सबसे ज्यादा याद भी तुझे यही करता था, बेस्ट फ्रेंड बोलता था, अब भी तुझे खोते का बच्चा बोल रहा है। इससे तो नहीं बोला मैंने यार, क्या हो गया? गाइस आप कुछ फैसला करें, मैंने इससे तो नहीं बोला। हमारे सामान खोल यार, ये मैंने ये देखो, ये अभी भी मेरा ओवरवेट था। हाँ तो गाइस एक मिनट ना, ये हमारे कुछ ना बड़ी पर्सनल चीज है, ये साग हमारा आ गया। हाँ शूज अब्दुल्ला के मिल गया। अब्दुल्ला के जरूरी नहीं है कि अगर औलाद भाई जो के जवाब दे नहीं दिया है। गाइस ये देखिए मेरे पंडी हैं, ओए इधर हाथ मत कर। और ये अवैस का पार्सल भाई, दो ये अवैस का भी पार्सल की भी ओपनिंग करते हैं क्या? हां अब्दुल्ला भाई थैंक यू सो मच। और व्हाट दिस इज अप, किसकी अलसी दी पिनिया? और क्या है इधर अब्दुल्ला साहब? हमारा बाकी हमारा सामान तो नहीं है, बाकी ये हाँ ये जो हमारा घर का राशन वगैरह है, बस ये क्या चीज़ है, इसका कंबल है। और ये सही सामान ले गए, ये मेडिसन होगी। तो गाइस ये देखें, ये मैं इसको स्पेशल बोल के अपने लिए मंगवाए थे, 5 रुपए वाले, 20 रुपए के, चलो हमारे लिए भी काफ़ी हैं। तो अभी देखें मैं कौन, मैंने कौन से तेरे गेज में देनी है? इसमें ना रजाक की भी, जो रजाक की नहीं है वो फिर ऐसे था। जल्दी जल्दी अपना पार्सल खोल यार, इसमें देखना चाहते हैं क्या तूने मंगवाया। जल्दी जल्दी पार्सल खोल, लेकिन ऐसा पार्सल क्या है? बच्चे की तरह लॉक करके फोन करके मैंने कहा आपसे, बताते हम कुछ इंटरेस्टिंग डालें, लॉक करके बाहर नहीं जा, नहीं यार लॉक कर तो ना फोन दूसरे से यार खोल दे इसको। तो मेरे टाइम भी मैं मतलब 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 ये मैंने कहा फोन आ गया कॉल पे थी फोन तो नहीं यूं इस तरह से इसका टाइप करता है ऐसे ऐसे उतारो से। तो ये अंकल ने खोला है, ये नहीं था, नहीं तो तू कवर क्यों चढ़ा रहा है? पहले तो नहीं गाइस, फैमिली साम के सरप्राइज आ गए, फोन आ गया है, मलिक साम का न्यू फोन आ गया है। तो बाकी हमारा जो था छोटा मोटा सामान वो भी आ गया है, बाकी सब किसी खास बंदे का सामान आ गया। अभी देखते हैं वैस का फोन भी प्रोग्रेस कैसे देता है। 5G हमने फोन मंगवाया, क्योंकि इधर नेट 5G होता तो, लेकिन हमारे पास यार ये क्यों नहीं हो देते अभी देर पहले देते हैं। हाँ कुछ खोला हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है?
और अभी तुम आए हो, थोड़ा सा सो जाओ, रेस्ट कर लो यार। सुबह यूनिवर्सिटी आना तो सारी चीजें मेरे कपड़े निकालने हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, टाइम से आ जाना, छुट्टियां खत्म करके आए। पासपोर्ट पे टिक वो देखे, दो तीन चार पाँच। हाँ पीएमडीसी वाले आपको बताएंगे, लगवाओ ज्यादा स्टैंप है, छठी अभी दिला दीजिए तो सही है, लगवा लगवा। चलो अब्दुल्ला भाई आप अपना सामान पैक करो, तब तक हम आपकी रोटी बनाते हैं। रोटी खाओगे कि कल खा लोगे? भूख लगी है तो घर से खा के नहीं आ सकता था, इधर भूखे मुंह उठा के आ गए घर से बंदा कुछ, तो फिर उन्हें तो तू क्यों खा से, कल सुबह खा लेना, घर भूख और आप भाजे वगैरह। मेरे तो एक सवाल का जवाब दे, तो पाकिस्तान में छुट्टियाँ कैसे गुजरी हैं? बहुत अच्छी, बहुत मजा आया, एंजॉय किया है बहुत। अच्छा मेरे घर में मेरे भाई का मैसेज था, हमने कहा सब लोग क्यों दस लाख हम छोड़ते फौत तो नहीं हो गया हाय अल्लाह तो क्यों हो। हाँ तो अभी देखते हैं रजाक साहब क्या कर रहे हैं, मैं अपने खिदमत सारा अंजाम देने जा रहा हूँ, आटा बनाने यही काम बचता है, फिर कल सुबह हमारी 8 बजे क्लास है। रजाक घर बात होगी है, रजाक साहब हैं हल्की हल्की मुस्कुराहट से कैमरा में देख रहे हैं, यार प्लीज कैमरा में देख रहे हैं, गुस्से में बैठे हो नहीं, खैर है कल क्लास है कुछ नहीं होता, टेंशन टेंशन नहीं लो, गुस्सा नहीं करो बस। आमीन आज देखें गाइस, आज हम ना तकरीबन 3 साल बाद ना पहली दफ़ा साग के साथ रोटी खा रहे हैं, ये हमने अंडा बना लिया है साथ, ये हमारा साग है, ये मलिक साहब रजाक साहब अब्दुल्ला साहब बाल देख रहे हैं साग हमारे लिए, तो क्यों ना हमारी किस्मत अच्छी बन गई जो हमें सर्दियों में साग मिल गया, तो अभी हम रोटी खाते हैं, तुम हम दे दिखाओ है वेला मुंडा खाना पे। गाइस मैंने ये रजाक के लिए गिफ्ट मंगाया है पाकिस्तान से, अभी देखते हैं इसमें क्या है, मुझे नहीं पता, नो आइडिया, एंड रजाक भाई को जाके देते हैं कैसा है, तो अभी चलते हैं। अब ऐसा रुक यार मेरे साथ चल, अभी हम जाके ना रजाक भाई को देते हैं, रजाक भाई आगे से क्या कहता है, तो मेरा कैमरा मैन अब ऐसा होगा तो पकड़े हैं मेरे साथ है। रजाक साहब वाज ऑन एग्स, तेरे भी कुछ लाए हैं कि प्लीज दिखाएं मुझे, इतना मुंह बंद करना, देखते हैं रजाक भाई की किस्मत में क्या निकलता है। जिनकी किस्मत अलमाते लिखा हो ना उनकी किस्मत कुछ नहीं कर सकती। तो वॉच निकली है रजाक के लिए, तो ये रजाक को वॉच मिल गई है, तो रजाक ने हमें कोई चेहरे पे खुशी वाले एक्सप्रेशन हैरान वाले एक्सप्रेशन नहीं दिए, हाँ अब देखें मुस्करा रहा है, तो चलेगा इस अभी हमारा जो काम था वो हो गया है, सारा कुछ ख़त्म हो गया है, राग भी काफ़ी बन गया है, अभी मैं आटा बनाने लगा हूँ, तो तब तक सबको अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले विभाग में, तो कुछ साथ रजाक ने बड़ी पहन रही है, दिखाओ रजाक भाई, हाँ चेक साहब की वॉच मिल गई रजाक को।